Starting our paper 4-2 of February, March 2024, the very first question that we have, although the paper of February, March are mostly very easy, हमने वो physics का भी किया and we did of maths as well and chemistry again is very easy. Let's hope we get that much of an easy paper and most of the questions were very obvious that needs to come. अच्छा, as I suggested, most of the time के जब क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा फ्रॉम विच चैप्टर दिस क्वेश्चन इज जस्ट ट्राई टू मेक योर आंसर्स देन एंड देयर. ऑब्वियसली ब्लास्ट फर्नेस का क्वेश्चन था, वी नो सर्टेन डिटेल्स. सबसे पहले उसने हमसे ये पूछा हुआ है, नेम द सब्सटेंस विच प्रोवाइड द कार्बन फॉर दिस रिएक्शन. सो विच प्रोवाइड द कार्बन फॉर दिस रिएक्शन, वी हैव कोक. एंड उसका पर्पस क्या होता है, वी नो दैट व्हेन कोक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट gives us carbon dioxide. A blast took place that increases the temperature of the furnace. So, to increase the furnace temperature. अब ये percentage वाले question हमने multiple time किए हुए हैं. उसने हमें Fe2O3 का formula दिया हुआ था. Iron की हमें percentage calculate करने को उसने बोली थी. Iron 2 moles है उसके, so 2 into 56, so 56 + 56 divided by the molar mass of the compound, so the percentage came out to be 17. अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के होते तो हमने उसको सिंपली क्या करना था, 3 into 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास सेम ही रहना था हमारे पास. फिर स्टेट द नेम ऑफ द आयरन ओर दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ आयरन ऑक्साइड. सो व्हाट इज दैट ओर नेम, वी कॉल दैट ओर हीमेटाइट. ओके, एंड डिस्क्राइब हाउ कार्बन मोनोक्साइड इज फॉर्म. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बल्कि रिएक्शन भी दिया मे माइट भी दे माइट हैव गिवन. इसी के आगे हमारे पास क्या होता है, एडिशनल कार्बन आता है, कोक फर्दर ऑन ऐड होती है एंड इट कन्वर्ट्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड. देन वी हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर द रिडक्शन दैट अकर्स इन द ब्लास्ट फर्नेस विद आयरन ऑक्साइड. अच्छा, व्हाई डू वी फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट हमदान. अगर हीट प्रोड्यूस हो, एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन के लिए. हाँ, टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस सूटेबल फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन. ओके, अब हमें इक्वेशन लिखनी थी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स टू Fe प्लस 3CO2. प्रोसेस, व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स कॉल्ड रिडक्शन मेथड. व्हाई डू वी कॉल इट अ रिडक्शन मेथड, एज द इक्वेशन टेल्स अस दैट द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम आयरन, सो दैट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. And stated type of reaction shown in equation number 2. What is equation number 2? ये हमारे पास thermal क्या होता है? That's called thermal decomposition. So question number 1 was easy. D part उसने बोला है, how do we call equation 3 an acid based reaction? Okay. Why do you think it's an acid based reaction? Anyone, any ideas? प्रोड्यूस नहीं, इट हैज टू डू विद द मेटल एंड नॉन मेटल. हिंट दे दिया, बिकॉज जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिक, और जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या होती न्यूट्रलाइजेशन हैं, एसिडिक होती हैं. व्हेन एन एसिड न्यूट्रलाइजेशन एंड बेसिक ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद ईच अदर, दैट इज व्हाई इट्स एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉलिंग इट एन एसिड बेस्ड रिएक्शन. ओके, देन उसने बोला है सिलिकॉन, SiO2 का नाम लिखे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एंड जो CSO3 होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिलिकेट स्लैग सॉरी, और इसका नाम केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सिलिकेट. बट चूंकि उसने हमें कॉमन नेम पूछा था फॉर दीज टू, तो हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इससे केमिकल नेम पूछा था, इसका जनरल नाम पूछा था, तो हमने देन
वाई वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम यूजिंग द सेम मेथड? अरहम पॉजिटिव नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट यूजिंग दिस? उसके लिए बहुत बस लोअर हम मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। हायर 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 मेल्टिंग पॉइंट चाहिए. एल्यूमिनियम का यस बॉल मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई क्रियो होता है, दैट्स व्हाई हम उसमें क्रियोलाइट ऐड करते थे टू लोअर इट्स टेम्परेचर, और फिर हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू में. अच्छा, व्हाई डू वी डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम एंड नॉट एक्सट्रैक्शन ऑफ इट? इसका भी एक रीजन है. व्हाट वाज द रीजन? वी स्टडीड दैट प्रीवियसली दैट इन इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर वी डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर मोस्ट स्टेबल. सो चूंकि एल्यूमिनियम की ऑक्साइड मोस्ट स्टेबल है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस. तो यहां से हमें पता चलता है कि आयरन से ज्यादा स्टेबल कौन, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? एल्यूमिनियम. ठीक है, तो दैट्स आई हैव रिटन हियर कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी हाई. प्रोसेस का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस. एंड हमें एल्यूमिनियम का जो है वो लिखना था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. तो जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग उसको चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पीरियड. तो सिंस इट बिलोंग टू ग्रुप 3 और उसका जो पीरियड नंबर बन रहा था वो भी हमारे पास क्या बन रहा था? देखो पीरियड नंबर क्या बन रहा है? 2. तो सेकेंड पीरियड नंबर से हमें पता लग गया कि इसके अंदर कितने शेल होंगे. 1, 2, 3 बल्कि सॉरी 3 बन रहे हैं हमारे पास, और चूंकि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा सो दैट वुड बी 2 और 8. उसने एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का बोला है, उसने जस्ट एल्यूमिनियम का नहीं बोला. अगर एल्यूमिनियम का बोलता तो हम यहाँ पे 3 भी लिखते हैं. ठीक है, सो यहाँ से ये भी पॉइंट रिपीट हो गया कि ग्रुप नंबर इंडिकेट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड पीरियड नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ शेल्स. ठीक हो गया. अब उसने आयरन का हमें पूछा था, आयरन 3 पॉजिटिव का, सो यहां से हम आयरन का हम एटॉमिक नंबर देख लेंगे, इट्स 26. तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास? बल्कि उसने जस्ट वही पूछा हुआ था. सो 26 एंड सिंस इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन नंबर इसका क्या आ जाएगा? 23 हमारे पास. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द हेलोजन विद द लोएस्ट डेंसिटी. हमने हेलोजन्स की ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि गोइंग डाउन द ग्रुप उनकी जो है डेंसिटी इंक्रीज होती है, एंड वो गैस से किस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड एंड देन सॉलिड स्टेट के अंदर. सो वी कुड सी के लीस्ट डेंसिटी हमारे पास किसकी होगी? फ्लोरीन. सॉरी, फ्लोरीन. एंड वो उसने कहा है ब्रोमीन का क्या होता है? ब्रोमीन हमारे पास क्या होता है? ऑरेंज ब्राउन वेपर्स की फॉर्म में होता है. एंड उसने बोला है गिव द सिंबल ऑफ द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर. तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हमारे पास किसका है यहाँ पे? वी डिड नॉट. उसने क्या पूछा है हमारे पास? गिव द सिंबल ऑफ द हेलोजन विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर. ये रहा हमारे पास. इसका एक और सिंबल भी होता है, टीएस से भी हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं. तो मेरे पास बुक की पीरियोडिक टेबल के अंदर वही लिखा हुआ है. लेट मी टेक यू टू द लास्ट पेज टू शो यू दैट. ये देखो, ये हेलोजन है और इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? ये टीएस का. तो हमने बस वो लिख दिया हुआ. ठीक हो गया बेटो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने हमसे पूछा हुआ है रिड्यूस द नंबर ऑक्यूपाइड इन द इलेक्ट्रॉनिक शेल. तो अगेन ये किस शेल में फॉल कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड में हमारे पास फॉल कर रहा है. तो आउटर मोस्ट कितने शेल्स होंगे उसके पास? 7 शेल्स होंगे.
एंड नेक्स्ट में उसने बोला है व्हाट इज मेंट बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन टू नॉन मेटल्स। सो वो लिख दिया हेलाइड विच ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस। तो पीरियोडिक टेबल में देखें ब्रोमीन से ऊपर कौन सा है, नीचे आयोडीन है तो आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, तो हमने आय नेगेटिव लिख दिया। ब्रोमीन व्हाई इट कुड रिप्लेस इट, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन दैट। एंड लास्ट में उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ फ्रॉम द वॉटर चैप्टर ए क्वालिटी इन वॉटर में, कि वॉटर की प्रेजेंस हम किस से चेक करते हैं। सो दैट वी चेक यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड से हम लोग चेक करते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर्स हमने मल्टीपल टाइम्स किए हुए हैं, उन्होंने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने को बोला था। हम लोगों ने कैल्शियम का आउटरमोस्ट शेल में हम लोग फुल शो करेंगे बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, और वो इन दोनों शेल्स के अंदर हम एक एक क्रॉस का साइन शो करेंगे टू इंडिकेट कि यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ पे शिफ्ट हुआ एंड एक इसको मिला। सो बॉन्डिंग ये मिस्टेक नहीं करना, अदरवाइज यू लूज 3 मार्क्स। अब उन्होंने बोला एक्वस लेड आइंस आर एडेड टू एक्वस क्लोराइड आइंस, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ इनसोलुबल लेड क्लोराइड इज फॉर्म, नेम अ लेड कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ से कौन सा आएगा, लेड नाइट्रेट आएगा, और साथ में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, कोई और एटम एलिमेंट यूज कर लेंगे, इट कुड बी सोडियम क्लोराइड और एनीथिंग एल्स। बट उसने हमसे पूछा हुआ है कि लेड का कौन सा यूज करेंगे, सो दैट वुड बी लेड नाइट्राइड। बिकॉज एक्वस उसने बोला था, तो लेड का जो एक्वस फॉर्म है हमारे पास जो सोल्युबल है फ्रॉम द टेबल ऑफ सॉल्ट्स जो मैंने आप लोगों को भेजे थे, एक सेकेंड रुको मैं आपको वो भी एक दफा रिव्यू करवा दूँ। तो टेकिंग यू टू आवर बुक, ये टेबल मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बोला हुआ कि रिव्यू कर लो। सो उनका क्वेश्चन हमारे पास है, आई होप यू कुड सी इट नाउ। सो यहाँ से सोलबल सॉल्ट के अंदर लेड का सिर्फ एक ही सॉल्ट है विच इज सोलबल, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि एक्वस लेड आइन है, विच मीन्स अगर एक्वस है तो सोलबल लेड का कोई होगा हमारे पास, तो सोलबल इज ओनली लेड नाइट्रेट। तो दैट्स हाउ आई केम अप, वी केम अप विद दिस आंसर। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट पूछते हैं कि यही क्यों चूज किया, हम कोई और भी लेड का सॉल्ट यूज कर सकते थे, बट लेड का ओनली पॉसिबल सॉल्ट जो सोलबल है, लेट मी टेक यू अगेन, दैट इज ओनली 10। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी लेड नाइट्रेट हमारे पास है, ये देखो लेड इनसॉल्युबल है, यहाँ पे भी लेड इनसॉल्युबल है, एंड कार्बोनेट्स मोस्टली इनसॉल्युबल है, तो हमारे पास रह ही ये जा, चूंकि उसने हमें लेड का बोला था सो लेड नाइट्रेट भी हो, लेड अमोनियम सॉल्ट लेड हमने वो नहीं पढ़ा, तो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन लेड नाइट्रेट सही होगा, बिकॉज बनी हो रहा है। फिर उसने हमसे पूछा था हाफ आयनिक इक्वेशन लिखनी है फॉर पीबीसीएल टू, तो पीबीसीएल टू की हाफ आयनिक इक्वेशन क्या होगी बच्चों, पढ़ी हुई हम लोगों ने, पीबी पॉजिटिव टू प्लस टू सी एल नेगेटिव गिवन पीबीसीएल टू, बिकॉज हमें बता दिया कि इट्स एन इनसॉल्युबल सॉल्व, इस वजह से यहाँ पे एंड यहाँ पे इक्वस एंड यहाँ पे सॉल्व। देन सिल्वर क्लोराइड उसने कहा अदर इनसोलबल क्लोराइड, तो अभी अभी हमने टेबल में देखा कौन सा क्लोराइड इनसोलबल है, हमारे पास एक सिल्वर क्लोराइड और एक लेड क्लोराइड। देन वी हैव व्हाट डू वी हैव फॉर द क्वेश्चन, हमारे पास बन रहे हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, उसने पूछा कि डिटरमाइन द टर्म बेस, बेस को हम टू वेज में डिफाइन कर सकते हैं, कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है व्हिच गिव्स ओएच नेगेटिव आयन इन वाटर, तो कोई भी डेफिनेशन लिख सकता हूँ क्योंकि जस्ट 1 मार्क्स था, तो कोई भी डेफिनेशन हमारे पास आ सकती है। एंड देन उसने हमें डिस्कस किया हुआ है कि बेस एंड एल्कली में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है बेस एंड एल्कली में डिफरेंस रमदान। बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और जो अल्कली होता है वो अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, सॉल्युबिलिटी का होता है, एक सॉल्युबल होता है एक इनसॉल्युबल होता है, वाटर की सॉल्युबिलिटी नहीं भी बेस आपने एंड वो अल्कली को वेरी करते हैं अच्छा नहीं आपने सॉल्युबिलिटी पे पूछा, मुझे लगा उस पे प्रोटॉन एक्सेप्टिंग और भाई। वैसे भी स्टेबिलिटी अगर वाले पे आप जो अगली बात बोलने लगे थे मुझे वो भी गलत ही लग रही थी, अल्कली को आप कैसे डिफाइन करने लगे थे बताएं। बस छोड़ें
हाँ समझ गया ना। अच्छा जी, आप उसने हमसे पूछा हुआ यहाँ पे कि थाइमोफ्थिलीन एज एन इंडिकेटर, स्टेट द कलर ऑफ थाइमोफ्थिलीन इन NaOH एंड CH3COOH। सो लेट्स गो बैक टू द एसिड चैप्टर, एंड चूंकि इंडिकेटर्स के कलर्स हमें समहाउ याद होने चाहिए, तो थाइमोफ्थिलीन जो है हमारे पास कलर्स इन एसिड न्यूट्रल एंड कलर्स इन अल्कलीज आर ब्लू, एंड इज देर एनी स्पेसिफिक वन NaOH के अंदर उसका क्या शेड आ रहा है? अल्कलीज के अंदर ब्लू आएगा, एंड एसिड्स के अंदर वो हमें क्या कलर दे रहा है? कलरलेस दे रहा है, तो कलरलेस एंड ब्लू। अगेन ये स्टेबल, मैंने आपको तब भी बोला था स्टेबल को याद रखें, एंड अगेन एक क्वेश्चन रिसेंट मोस्ट एग्जाम्स में आ भी गया। उससे बोला यूज इन्फॉर्मेशन गिवन इन टेबल दिस 3.1 टू आइडेंटिफाई सिस्टम विद द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो जिसकी पीएच सबसे लो होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और उसमें सबसे ज्यादा एच की कंसेंट्रेशन होगी, सो HNO3 वुड बी आवर चॉइस विदाउट, बिकॉज की लोएस्ट पीएच है। हाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वुड हैव द लोएस्ट पीएच एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वुड हैव द मोस्ट पीएच, ऑपोजिट होता है। नेम एन इंडिकेटर विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? मिथाइल ऑरेंज। और क्यों हम मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे? बिकॉज मिथाइल ऑरेंज वुड गिव अस द पॉसिबल कलर्स, एंड लिटमस पेपर कल मैं आई वाज डिस्कसिंग इट विद द क्वेश्चन, व्हाई डू वी नो हम लोग लिटमस पेपर को क्यों नहीं यूज करेंगे? व्हाई वर यूजिंग एन इंडिकेटर नॉट द लिटमस पेपर? अच्छा वो अल्कलीज वाली डेफिनेशन भी हमें लिखी हुई है, अल्कलीज आर सोलबल बेसिस, एंड जो बेस जो होगा हमारे पास जो होती है इटसेल्फ वो इनसॉल्युबल होती है। यूजिंग नॉट द लिटमस पेपर द रीजन इज बिकॉज इज स्ट्रॉन्गेस्ट इज इट के फ्यूम्स होते हैं, वी कैन गेट इन कॉन्टेक्ट विद दैट, हमारे पास उससे क्या हो सकती है? क्रूसो स्किन हो सकती है। देन उन्होंने बोला हुआ है कि CH3 की आयनाइजेशन लिखें, चूंकि सर CH3COOH जो इथेनोइक एसिड था वो एक वीक एसिड है, तो उसकी इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होनी है, सो वी हैव रिटन द इक्वेशन, हमारी बुक में इक्वेशन दी भी हुई है वीक एसिड की इक्वेशन, देयर इज समवेयर हमारी बुक में था कहीं पे। यस हमदान, व्हाट आर यू आस्किंग? ये अब्दुल रहमान का मुझे मैसेज आया है, अब वो मीटिंग ज्वाइन करेगा, कह रहा है कॉल करके। आई हैव सेंट हिम द लिंक, भेजा हुआ मैंने उन्हें, वो उसका कोई मसला है, कहता है वो लिंक प्रेस कर रहा हूँ बस मैं, आई भेज वी दिया। विल सेंड, वी विल सेंड हिम द रिकॉर्डेड लेक्चर ना, जस्ट टेक्स्ट हिम दैट वी विल सेंड हिम द, बिकॉज हमारा पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक हो गया गाइस, इफ यू रिमेम्बर हमने रिसेंट मोस्ट ये क्वेश्चन भी किया है कि एसिड एंड बेस की न्यूट्रलाइजेशन की हाफ आने की क्वेश्चन क्या होती है, वेज पॉजिटिव एंड ओएच नेगेटिव आइंस की होती है, हमारे पास फोटोन फॉर्म होता है। स्टेट आइंस भी उसने रिप्रेजेंट, उसने स्टेट सिंबल्स नहीं पूछे हुए थे, लेकिन अगर इनके स्प्लिट भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। देन कम्स द मोल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने CaOH स्केयर की हमने मोल्स निकाल लिए, तो CaOH स्केयर का वॉल्यूम एंड कंसेंट्रेशन दिया हुआ था, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 1000 करना है इन ऑर्डर टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। आप इक्वेशन में हम देखो तो CaOH 1 है, वेयर एज HNO3 के मोल्स कितने हैं? 2 हैं, तो हम अपनी गिवन वैल्यू को जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये 2 होते ये 1 होता तो हम 2 से डिवाइड कर देते, जो रेशियो हमारे पास नॉर्मली बनती है। एक दफा बना के भी दिखा देता हूँ ताकि फॉर फर्दर ऑन हमारे पास HNO3 रेशियो CaOH स्क्वायर 2 मोल्स वर्सेस 1 मोल फ्रॉम द इक्वेशन, एंड एक्स इसकी अननोन है एंड इसके नंबर ऑफ मोल 0.003, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, सो एक्स वुड बी इक्वल टू 0.006, 0006 सॉरी कैलकुलेशन। आप उसने कंसेंट्रेशन ऑफ HNO3 कैलकुलेट करने को बोलिए इन मोल्स पर DM³, और उसका वॉल्यूम उसने 25 cm³ दिया हुआ था, तो सबसे पहले 25 cm³ को क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 टू कन्वर्ट इनटू DM³, तो ये 0.025 DM³ बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आर 0.06, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे?
डिवाइड कर देंगे, तो 0.0006 डिवाइडेड बाय दिस, तो विल गेट 0.024। एंड ये उसने ग्राम्स पर डीएम क्यूब में फाइनल करने को बोला है, तो मोल्स पर डीएम क्यूब से ग्राम्स पर डीएम क्यूब में कैसे जाते हैं हम दान? उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। जी, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट केम आउट टू बी 1.512 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। देन हमारे पास क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले, उसने हमें सॉरी रेट्स ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, उसने बोला है ये इस तरह का फॉर्मूला किसको इंडिकेट कर रहा होता है, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला। मेथनोइक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना था, तो मेथनोइक था तो CH2O2 हो गया। वैसे हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, CnH2n+1 into, ये फॉर्मूला होता है ना मेरे, यही होता है ना जनरल फॉर्मूला एसिड का। उसके अंदर एनी हाउ एस्टर का फॉर्मूला उन्होंने बोला था कि जब हमारे पास इथाइल अल्कोहल और मेथनोइक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अल्कोहल का नियम आता है, बाद में एसिड का नियम आता है, तो क्या बनेगा, इथाइल मेथनोएट, और उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इट वुड लुक समथिंग लाइक दैट, COOH वुड लूज एन एच एंड अल्कोहल वुड लूज एन OH मेकिंग वाटर ऑक्साइड, साथ में हम H2O भी लिखते हैं, ठीक हो गया। बट सिंस दे हैव ओनली आस्क्ड इफ एस्टर का डिस्प्लेड फॉर्मूला, इस वजह से हम लोगों ने ये मेंशन आउट नहीं किया था, इट्स नॉट नेसेसरी। उसने कहा व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज मेंट बाय क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, वेयर नो एक्सटर्नल इफेक्ट्स, कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं होती है, इट्स अ क्लोज सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम अभी हमने रिसेंटली भी किया था कि जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड रेट्स ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, तो दीज टू पॉइंट्स आर मेंशन हियर। देन रेट्स ऑफ रिएक्शन की बेसिस पे उसने बोला टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, कंसंट्रेशन के डिक्रीज करने से क्या होगा, रिएक्टेंट्स। अब हमें पता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन आउट था कि इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक हो गया। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डिक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डिक्रीज होगा, अगर आप बोथ रिएक्टेंट्स को डिक्रीज करोगे तो भी रिएक्शन रेट डिक्रीज करेगा, और अगर कैटलिस्ट रिमूव करोगे तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है, इसके अलावा उसका कोई और रोल नहीं होता। देन उसने इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि बट ब्यूटेन एंड बट वन ईन आर कलरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर, सजेस्ट व्हाई बट वन ईन डिफ्यूजेस क्विकर देन ब्यूटेन, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया है डिफ्यूजन रेट डिपेंड ऑन द रिलेटिव एटॉमिक मास, सो अगर बट वन इज डिफ्यूजेस फास्टर इट मीन उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला है कंप्लीट कंबशन के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, सो वेन एवर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मतलब बर्न होगा कंबस्ट करेगा इट वुड ऑलवेज फॉर्म अ वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट्स रिटन हियर। देन उसने बोला है वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन्स कौन सा रिएक्शन देते हैं, देर इज ओनली वन काइंड ऑफ रिएक्शन दैट एल्केन गिव्स, व्हाट इज दैट रिएक्शन कॉल्ड, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सो ब्यूटेन है हमारे पास, तो ब्यूटेन वुड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो वो हो जाएगा। एंड वाई डू वी नीड लाइट, इट वुड गिव द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू इनिशिएट, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन दिस इज कॉल्ड, तो वी जस्ट डिस्कस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, एंड पॉसिबल आइसोमर कितने कौन से बनेंगे ब्यूटेन के साथ, तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे पास फॉर्म हो गए हमारे, और कंबशन
कैटलिस्ट कौन से प्रेजेंट होता है हमारे पास? जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म द अल्कोहल, तो वो फॉस्फोरिक एसिड होता है. एंड हियर आई हैव रिटन द टू पॉसिबल आइसोमर्स दैट कुड बी फॉर्म्ड फॉर व्हेन द ब्यूटेन इज रिएक्टेड विद कार्बन. टू पॉसिबल क्यों फॉर्म हो रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं फॉर्म हो रहे? तो बेटा क्योंकि स्टेट चेंज थी. ये क्लोरीन हम इधर लगाएं, अगर हम यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, तो उनकी दो ही पॉसिबल पोजीशन होती हैं जहां पे हम उस पर अटैच कर सकते हैं क्लोरीन. एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन. आज उन्होंने बोला है कि नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वन एंड प्रोडक्ट टू. फिर इस प्रोडक्ट वन एंड प्रोडक्ट टू. अच्छा, जो बट वन इन के साथ रिएक्ट करके बन रही है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टू ओल? तो क्योंकि OH के ग्रुप को आप मूव कर देंगे, तो टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ऐसे पॉसिबल लिखा है, नॉट ओनली प्रोडक्ट्स लिखा है. इस वजह से थ्री ओल भी हो सकता है, वन ओल भी हो सकता है. वन ओल तो ये हो गया, टू ओल ये हो गया हमारे पास. पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं हमारे पास, एडिशन या कंडेंसेशन के? तो इन पर्टिकुलर इसमें कौन सा रिएक्शन होगा हमारे पास, एडिशन होगा, क्योंकि कोई अदर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रही है. हमें रिपीटेड यूनिट यहाँ पे लिखना था, थ्री रिपीटेड यूनिट्स लिखने थे, तो वन हमारे पास ये हो गया, टू एंड थ्री रिपीटेड यूनिट्स हमारे पास ये आ गया. एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस पेपर. आई होप यू अंडरस्टूड द पेपर. द पेपर वॉज रियली रियली इजी. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. आई विल कैटर देम सून एज सून एज आई कैन.